नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। साल की शुरुआत में ही दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने एक बड़ी खुशखबरी अपने फैंस को दी थी। दरअसल आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ने खुशखबरी दी थी कि वो मां बनने वाली हैं। बस क्या था, फैंस को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि दीपिका और रणवीर के घर कब किलकारी गूंजेगी, और आज फाइनली दीपिका रणवीर के घर किलकारी गूंज गई है। दीपिका पादुकोण ने बेटी को जन्म दिया है। वहीं इस खबर को सुनते ही दीपिका रणवीर के फैंस बधाई देना शुरू कर दिए। खास बात तो ये है कि दीपिका रणवीर के फैंस उन्हें उनकी बेटी का नाम भी सजेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, एक फैंस ने तो दीपिका और रणवीर के बेटी का नाम उन दोनों कपल के नाम को मिलाकर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एक फैंस ने नाम रखा है राविका। उन्होंने सजेस्ट किया है कि दीपिका और रणवीर अपनी बेटी का नाम राविका रखें। इसी तरह से लगातार फैंस नाम का सजेशन दे रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को इस दिन का बेसब्री से पिछले 9 महीने से इंतजार था, और वही दिन आज फाइनली आ गया है। आपको बता दें कि दीपिका ने मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया। बीते दिन की शाम को रणवीर सिंह पत्नी दीपिका को अस्पताल में लेकर गए थे, तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि बच्चे की किलकारी सुनने को मिल जाएगी, और जैसा कि आज ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऋषि पंचमी के मौके पर दीपिका पादुकोण और रणवीर को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। शादी के 6 साल बाद दीपिका रणवीर एक नन्ही परी के माता पिता बन चुके हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई है, कपल को बधाइयां मिलना शुरू हो गया है। वहीं आपको मैं भी बता दें कि दीपिका और रणवीर ने पहले से ही आज का दिन डिसाइड किया था अपने बच्चे का वेलकम करने के लिए। अपने पहले बच्चे के लिए रणवीर सिंह शुरुआत के काफी एक्साइटेड थे। अब वो पिता बन गए हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि रणवीर सिंह से कुछ वक्त पहले एक सवाल किया गया था कि उन्हें बेटा चाहिए या फिर बेटी, तो एक्टर ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया जो सभी का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि एक्टर ने कहा था कि बच्चे भगवान के प्रसाद के रूप में होते हैं, जिसे आपको दिल से स्वीकार करना चाहिए। साथ ही एक्टर ने यह भी कहा था कि अगर बेटी दीपिका जैसी खूबसूरत हो तो और ये खुशी की बात होगी। आपको बता दें कि दीपिका और रणवीर ने साल 2018 में इटली में शादी की, और इस शादी में कपल ने केवल अपने खास और करीबियों को बुलाया था। रणवीर और दीपिका दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और इसी मोहब्बत को देखते हुए दोनों ने एक दूसरे को लगभग 5 सालों तक डेट किया था, फिर जाकर शादी रचाई थी। दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, और दोनों की जोड़ी को एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। जी हाँ, इसके पीछे की वजह है इन दोनों का एक दूसरे पर प्यार लुटाना। जिस तरीके से कपल एक दूसरे पर जो सच्ची मोहब्बत लुटाते हैं, वही इनकी मिसाल बन गई है बॉलीवुड में। वहीं कपल से जुड़ी एक खबर ये भी सामने आ रही है कि दीपिका और रणवीर दोनों बॉलीवुड से एक लंबी छुट्टी ले लिए हैं अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए। अब सभी को बेसब्री से इंतजार है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी का फोटो कब सामने आएगा, यानी कि उसकी झलक कब जनता के सामने आएगी, और आखिरकार ये दोनों कपल अपनी बेटी का आखिर नाम क्या रख रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। धन्यवाद।